हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेजिस्ट। नॉलेजिस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी साथ रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। नॉलेजिस्ट पर नॉलेज का सफर जारी है। जो लोग चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर, क्योंकि आज का जो सेशन है महत्वपूर्ण सेशन है, इसमें हम लोग फाइनेंशियल के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करेंगे सर। ये कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए, लेकिन आज थोड़ा डिटेल डिस्कशन के साथ साथ इसको कवर करेंगे। आज का सेशन 1 घंटे का रहने वाला है। इस 1 घंटे में काफी सारा मैक्सिमम डेटा जो होगा हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे सर। तो सभी साथी जल्दी जल्दी जुड़ जाए, बस कुछ सेकंड के क्लास क्लास स्टार्ट कर दें क्लास के लिए। जस्ट अ मिनट्स, एक सेकंड का और सेट कर रहा हूं। यस, सब आ जाइए फटाफट। तो फाइनेंशियल नॉलेज का सपोर्ट कंटिन्यू जारी है, और नॉलेज की ओर बात की जाए तो आरआरबी स्केल 3 का जो प्राइम बैचेस है वो लगातार कंटिन्यू हमारा सर धरेगा। आरआरबी जीरो का बैचेस हो या आईटीयू विचार आईएएस आरआरबी एसओ का या आरआरबी एसओ मार्केटिंग का जो पोर्शन है वो सभी लगातार हमारे यहाँ पर कंटिन्यू है। तो जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। बैचेस चल रहे हैं, नाइट की क्लासेस चल रही है, कंटिन्यू बैचेस चल रहे हैं सर, ठीक है। तो अपने एक सक्सेस को अगर आगे बढ़ाना है सर तो प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिए नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज की एक बात ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है लाइव सेशन के माध्यम से नहीं, हम सीधा इस लाइव सेशन के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। सारा जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल होता है हमारी टीम लगातार इस पर वर्क करती है और आप करते हैं। गुड मॉर्निंग, आप सभी को देख पा रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी जल्दी उठ जाए अपने साथियों को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका मिल जाए। जीबीओ 2020 का ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का आज का सेशन आरआरबी स्केल 2 और 3 के हिसाब से। तो आज हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आपके पास आने जा रहा है सर, पहला सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच बैंक डिड IREDA रिसीव द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस। इरेडा को किस बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? अब भैया ऐसा दर्जा भारत में कौन देता है? कुछ आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन है तरीके का, बीच में उन पर भी हम लोग डिस्कशन करके आरबीआई सर्कुलर पे भी प्रॉपर सेशन जो है हम लोग इसके अंदर बीच बीच में एड करते चले गए सर। ऑप्शन है आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक। टेंथ के समय दिया जाएगा आपको आंसर के लिए, आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होंगे और टेंथ का समय होगा, लगाएं इसका सही आंसर। आज काफी सारा फैंकिंग का पोर्शन भी इसमें ऐड किया गया है सर। आकाश मित्रा सर, ओके सर, थैंक यू, वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी साथी जो है सभी का ग्रैंड वेलकम है मनोलॉजिस्ट के ऊपर इस यूट्यूब चैनल पर सर, और अपने साथियों को लिंक शेयर कर दिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। इसका सही आंसर लगाइए। और मुझे पता था मंजुल कुमार जी आगे बढ़े हैं, बल्ला घुमा दिया है और गेंद बाउंड्री के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। मंजुल जी बहुत बढ़िया। इरेडा फाइनेंस रिसीव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस फ्रॉम द आरबीआई गवर्नर ऑन लैंडर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी आईडी फुल फॉर्म सर, हैज बीन ग्रांटेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनेबल बेटर एक्सपोजर टू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फाइनेंसिंग सर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आरबीआई आरबीआई लगा देगा। सुमित झा जी आपका आंसर सही था, सुमिता जी आपका भी आंसर सही था यहाँ पर, और बहुत बढ़िया सभी साथियों का आंसर सही आता हुआ। विनाश जी, किशोर जी, चंद्रशेखर जी बहुत बढ़िया, चंद्रशेखर वहां चीता, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट डिड 10,654 आउट ऑफ द 3.7 लाख इंडियंस हु माइग्रेट फॉर वर्क टू 80 कंट्रीज इन 2022 कम फ्रॉम। 2022 में 18 देशों में काम के लिए पलायन करने वाले 3.7 लाख भारतीयों में से 10,654 किस राज्य से आए थे? ये भी रिसेंट का क्वेश्चन है, 2 से 3 दिन पहले का क्वेश्चन है। देख देते ऑप्शन ए गुजरात से आए थे या हरियाणा से आए थे, बिहार से या फिर पंजाब से। 10 सेकंड समय, लगाए इसका सही आंसर। अभी लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा की गई थी तो उसके ऊपर डिटेल क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो है चर्चाओं में है, न्यूज तो बिल्कुल पूछ सकते हैं 18 देशों के अंदर। और यहाँ पे आंसर दिया मंजुल जी, आगे बढ़े हैं फिर से, और मंजुल जी आज जो ओपनिंग बैट्समैन पे बिल्कुल पैड बांधे तैयार, एकदम बल्ला आगे लिया है सर। एक और देखते हैं ओपनिंग बैट्समैन, और यहाँ पर आ गए सुमित झा सर बिहार से, आई लव बिहार।
ये लिखिए सर, ये आंसर है पंजाब सर, कोई बात नहीं है, गूगली थी सर, अच्छी गूगली थी है। इन 2022 इमिग्रेशन क्लियरेंस वी आर इशू टू 3,73,434 इंडियंस हु विच 10,654 वी आर फ्रॉम पंजाब, लोकसभा हैज इन्फॉर्म इन द 14 मार्च। तो 14 मार्च को लोकसभा में इसको इन्फॉर्म किया गया सरकार द्वारा कि इतने जो माइग्रेशन है पंजाब से ज्यादा रहे सर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? जो लोग चल पा रहे हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। काफी सारा पोर्शन भी आने जाने वाला सर, बैंकिंग का भी पोर्शन होगा, फाइनेंस का पोर्शन भी काफी सारा है। ओ वाओ, ये आंसर है पंजाब सर, डी इज द राइट आंसर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी बोरो अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी सिस्टम ऑफ द आरबीआई? निम्न से कौन सी न्यूनतम राशि है जिसे आरबीआई की तरलता समायोजन सुविधा प्रणाली के तहत उधार लिया जाता है, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? पहले तो आप ये जान लीजिएगा, ये जो सुविधा है लेफ्ट की जो सुविधा है, ये सुविधा सन 2004 में लॉन्च हुई थी और इसी के साथ में एमएसएस मार्केट स्ट्रेटजी स्कीम भी आपकी 2004 में ही लॉन्च हुई थी सर, ठीक है। तो अगर यहां देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या, ऑप्शन लेते हैं ए 5 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ रुपीज, 12 करोड़ रुपीज या देयर इज नो अमाउंट मिनिमम अमाउंट सर। वाओ एसपी सर, चश्मा लगाई के क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सुमित सर बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, 5 करोड़। अल्ट्रांसफरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी एंड अ ट्रेजरी बिल दैट आर द एलिजिबल फॉर एसएलआर विल बी द एलिजिबल सिक्योरिटी फॉर द रेपो ऑक्शन, बिड विल बी द सबमिटेड फ्रॉम अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 5 करोड़ एंड द मल्टीपल ऑफ द 5 करोड़ thereafter। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर, और मेरे सभी चीता बढ़िया आंसर देते हुए, लेकिन यहाँ पर एस पी सर ने जो है चश्मा लगाई के क्या बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने आइकन लगा रखा है और आपका जो आंसर है परफेक्टली आंसर इस क्वेश्चन के चीता है एस पी सर, बहुत बढ़िया एस पी सर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भगवत मान जी का आंसर भी देते हैं, किशोर सर बहुत अच्छे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम भगवत मान जी, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेफ्ट से बढ़ने से पहले देखिए, लेफ्ट क्या, लेफ्ट इज द फैसिलिटी ऑफर बाय द आरबीआई थ्रू विच बैंक कैन बोरो मनी थ्रू द रिपर्चेस एग्रीमेंट सच एज द रेपो एंड द रिवर्स रेपो मैकेनिज्म, ऑल द क्लाइंट ऑफ द आरबीआई आर एलिजिबल टू यूटिलाइज दिस कोटा वेयर इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी बोरो कैन बी एनी अमाउंट द मिनिमम बिडिंग अमाउंट इज 5 करोड़ अंडर द लेफ्ट कोटा सर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए सर, कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी इसके अंदर सर, बहुत सारी मेहनत है सर। क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी बोरोड बाय द बैंक अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रूट? ये एमएसएफ की बात हो गई है, एमएसएफ की सुविधा भारत के अंदर अगर बात की जाए तो देखिए 9 मई 2011 को बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में इसको लॉन्च किया गया था। इस सुविधा के तहत क्या होता है, कोई भी बैंक जो है लेंड करता मनी, जो भी उसके बाद शॉर्टफॉल अमाउंट है, जैसे एसएलआर या सीआरआर का कुछ अमाउंट उसके बाद जो है बेंडिंग रह जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इस सुविधा का इस्तेमाल कर उसको मेंटेन कर सकते हैं। वन डे की बोरो हो सकती है सर, तो कितनी ले सकते हैं इसमें, ऑप्शन ए बी डी आपके सामने लगाए इसका सही आंसर। अंडर एमएसएफ बैंक अपनी एनडीटीएल का कितना पर्चा उधार ले सकते हैं? वाह सुमित सर आगे बढ़े कुंभ राशि के जातक, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, बढ़िया एकदम बल्ला घुमा दिया सर, बल्लेबाजी में सुमित सर क्या बात है, परफेक्टली। मंजूल सर पहले नंबर पर है, उसके बाद जो है एसपी सर है, और अब आ गए हैं यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करने के लिए सुमित सर, सॉरी सुमिता जी, माफ कीजिएगा सुमिता जी है, सुमिता मैम आप चीता है एकदम, बहुत बढ़िया। और यहाँ तपस डे, तपस जी भी आ चुके हैं, तपस जी वेलकम आपका, बहुत बढ़िया। एसपी सर एक और, नहीं नहीं सर 2% ऑफ द इंडिया, पहले 1% था 2011 में, इसको बाद में 2% कर दिया गया, ठीक है। तो 2% अंडर एमएसएफ बैंक कैन बोरो फंड अप टू 2% ऑफ देयर एनडीटी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, देखिए द एमएसएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2011 इन द ऑर्डर टू हेल्प बैंक मैनेज द कैश फ्लो मिसमैच टू ऑन ओवरनाइट बेसिस। द बैंक कैन अप्रोच आरबीआई फॉर लोन अंडर एमएसएफ फैसिलिटी इन एन इंटरेस्ट रेट दैट विल बी हायर देन द रेपो रेट। बैंक कैन बोरो अप टू 2% ऑफ द एनडीटीएल अंडर द रूट वेयर द मिनिमम 1 करोड़ रुपया मैक्सिमम के मल्टीपल में सर ले सकते हैं ना, मिनिमम 1 करोड़ ले सकते हैं। अच्छा इसमें जो इंटरेस्ट है वो रेपो रेट से कितना परसेंट ज्यादा होगा सर, रेपो रेट से कितना परसेंट ज्यादा इंटरेस्ट लगता है सर, जो एक्सेस अमाउंट है रेपो रेट से, जल्दी से बताइए आंसर, रेपो रेट से कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा देना होता है? चलिए बताया था आपके लिए, जो बैंक रेट और रेपो रेट के बीच का डिफरेंस है कितना है सर, 0.25%, यही अंतर आपको दिक्कत चल रहा है सर।
जो बैंक रेट है और रेपो रेट में 0.25 का अंतर है वही रखना है, ताकि ये रेट जो होगा बैंक रेट के इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब एमएसएम और बैंक रेट का रेट लगभग सेम रहता है सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच सिटी होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव, किस राज्य शहर ने दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की। अभी रिसेंट का क्वेश्चन है सर ये, इसी वीक का। यहाँ पर 3% का गुलर जी, नहीं 2% अविनाश जी का आंसर यहाँ पर सही है, 2.5% सर, ध्यान रखिएगा 0.25% होगी, 0.25% इसका आंसर था, वो आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन ए जोधपुर, नागपुर, या है गोवा, या फिर है नई दिल्ली। हाल ही में रिसेंट का क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव अभी हाल ही में भारत के किस शहर में हुआ था। यह भी इसी वीक का क्वेश्चन है सर, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा बोलो 3-4 दिन पहले का क्वेश्चन है सर। और यहाँ मंजूल सर बल्ला घुमा के आगे बढ़े हैं 10 सेकंड समय, देखते हैं यहाँ पर जल्दी से आंसर किसका आता है। चैनल पर सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज की ओर से सर, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। जो भी साथी आते जा रहे हैं, ओ वाओ, यहाँ एसपी सर ने एकदम चश्मा ठीक किया और बल्ला घुमाया, गैंग स्टेडियम क्रॉस, दिल्ली इज द राइट आंसर, परफेक्टली आंसर सर, दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका, नई दिल्ली इधर है। एसपी सर दूसरी बार चीता बनते हुए क्लास के, परफेक्टली, अरे मेरे सभी चीता एक्टिव रहे सर, काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम आने वाले सर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी अंडरटेकन बाय द आरबीआई इन इंडिया, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व निम्न से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में की गई मौद्रिक नीति का गुणात्मक माप नहीं है। आपका ऑप्शन ए मॉरल सुशन, या डायरेक्ट एक्शन, या दोनों, या फिर रिडक्शन इन द रैपिड रिजर्व रेट। टेंस के समय लगा इसका सर, बैंकिंग नॉलेज को जज करते हुए आपकी इस क्वेश्चन को रखा गया है, कितने साथी इसका आंसर लगा पाते हैं, अगर नहीं लगा पाते हैं उनकी भी टेंशन लेने की जरूरत कीजिएगा, नाइट की क्लासेस में इनको डिटेल डिस्कशन के साथ में हम प्रॉपर वे में कंप्लीट करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन और 10 सेकंड समय, और 10 सेकंड समय समाप्त होता हुआ अब देखते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो सबसे पहले इस जल्दी लगाया है, वो यहां पर आगे बढ़ गए हैं मंजुल कुमार जी, और मंजुल कुमार जी ने आंसर लगाया है सी, लेकिन यहाँ एसपी सर कह रहे हैं बी, सॉरी डी कह रहे हैं, यहाँ पर सी सी कहा जा रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही डी, यहाँ पर एसपी सर बिल्कुल सही होना छोड़ नहीं रहे बिल्कुल भी, और आज का मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल से लेकर जाने की तैयारी बिल्कुल से। क्वालिटेटिव मेजरमेंट आर ऑल्सो एडॉप्टेड द आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, देयर आर द वेरियस मेजरमेंट फॉर दिस, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ द क्रेडिट, मॉरल सजेशन, डायरेक्ट एक्शन, ईटीसी, रेपो एंड रिजर्व रेशियो रेट, लैव एमएसएस, ईटीसी आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एडॉप्टेड बाय द आरबीआई रिस्क पर्सन। बिल्कुल सही आंसर यहां पर, एकदम एसपी सर आपका आंसर सही है, चीता है सर आप हमारी क्लास के, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे मॉरल सजेशन का मतलब क्या होता है इसको भी जान लीजिए। मॉरल सजेशन रेफर टू अ टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस की प्रोड्यूसर विच इज द अप्लाइड बाय द सेंट्रल बैंक टू कीप द प्रेशर ऑन द कमर्शियल बैंक इन ऑर्डर टू अबाइड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी दैट आर एस्टैब्लिश, इट इज द कैरिड आउट द ट्रांसफरिंग स्पीसीज सेमिनार्स एंड द मीटिंग्स। तो नेते प्रलोभन, यानी इसको हिंदी भाषा में देखा जाए तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है, नेते प्रलोभन एक प्रकार की प्रभावशाली प्रक्रिया संबंधित करता है जो केंद्रीय बैंक द्वारा स्थापित मौद्रिक नीति का पालन करने के लिए कमर्शियल बैंकों पर प्रेशर बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। यह भाषणों, सेमिनारों, बैठकों को संकलित किया जाता है सर, ठीक है, तो इसे प्रेशर डालने के लिए इसको यूज करते हैं सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट यानी MCLR सिस्टम कम इनटू फोर्स इन इंडिया फ्रॉम डैश। देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट सिस्टम जो है भारत में कब से लागू हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि पहले भारत के अंदर जैसे बेस रेट सिस्टम था 2010 में आया था, और उस सिस्टम को रिमूव करके MCLR सिस्टम लाया गया, उसके रिप्लेस लाया गया। बताइए MCLR सिस्टम देश में लागू कब से हुआ, ऑप्शन ए बी सी डी, 10 सेकंड समय लगाए इसके आंसर। ओके, आदि सर कह रहे हैं विजुअल नहीं है सर, सर क्वेश्चन आगे हो गया मेरे ख्याल से, यहां तो बिल्कुल सही दिखा रहा है सर। ओके, यहां पर सुमिता जी कह रहे हैं, सुमिता आचार्य मैम कह रही है डी के लगा लिए सर, और अच्छे पुराने क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन का समझा था।
एक ऑप्शन चार ऑप्शन एमएस, बात करें एमसीएलआर की, तो एमसीएलआर लॉन्चिंग कब हुई है सर? तो यहाँ पे एसपी सर अपना सही होना छोड़ नहीं रहे बिल्कुल भी, मैं सही हूं तो सही हूं सर, 1/4/2016। और यहाँ पे पिताबास नायक सर, नायक जी क्या बात है, बहुत सही, मोस्टली सभी साथियों का आंसर यहाँ पर सही आता हुआ 1 अप्रैल 2016। आरबीआई इंप्लीमेंटेड एमसीएलआर ऑन द 1 अप्रैल 2016 टू डिटरमाइन रेट्स of interest for the loan. It is an internal reference rate for the bank to determine the interest they can levy on loans. के लिए सर इसको डिटेल देख लेते हैं सर, होता ये रहा, the MCLR system replaced the old base rate system. Base rate system को replace किया था, ये system 2010 में आया था भारत में जारी किया सर, ठीक है, PLR system को replace करके base rate लाया गया था और base system को खत्म करके कौन लेकर आए, MCLR system लेकर आए सर, कब से लाए, अप्रैल 1, 2016 से, ठीक है, system of the bank with the objective to rationalize the lending rate system in bank. The main aim was to make the rates more sensitive to the changes in the key policy rates of the RBI. This come into effect from April 1, 2016. MCLR is the minimum rate of the interest below which is a bank can be lending money. ठीक है, देखने के इसके लिए चले पाए सभी साथियों को स्वागत है, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रीजनल रूरल बैंक वेयर फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डेस्क। भारत में जो आरआरबी का गठन हुआ था वो किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था सर? आई थिंक दैट कि इसका बिना ऑप्शन देखे आंसर आप लगा सकते हैं, फिर मैं ऑप्शन देता हूं, टीएम भसीन कमेटी या आरबी गुप्ता कमेटी या है एम नरसिम्हन कमेटी या विनय उषा थोराट कमेटी। 10 सेकंड समय लगा इसका आंसर, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कम से कम आपके किसी भी एग्जाम के अंदर कमेटी से आते ही आते हैं, ये पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए सर। चल पे आए साथियों को स्वागत, लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल ना करें सर। ओके अधि सर कह रहे हैं नाउ, ओके ओके सर सिचुएशन हो गया है सर, सर नेटवर्क का इशू होगा सर, कोई बात नहीं। तो यहां से इसका सही आंसर लगाएं, आरआरबी की रिकमेंडेशन किस कमेटी द्वारा की गई है सर, देखते हैं इसका सही आंसर। सबसे पहले सबसे जल्दी कौन लगाता है, और यहां पर बिल्कुल मंजूर सर भी ठीक होते हुए, किशोर सर भी, अरे मेरे ख्याल से सभी लोग ठीक है भाई, यहाँ पर एसपी सर भी ठीक है, और यहाँ पर जो है सत्यजीत साहू जी, बहुत बढ़िया सही साहू जी, आपका आंसर बिल्कुल सही, एकदम परफेक्टली आंसर यहाँ पर सही है आपका। ये देखिए टीएम भसीन की बात की जाए तो 2012 में टीएम भसीन ने थोड़ा अपडेशन किया था, क्या बता सकते हैं कौन सी किस चीज का अपडेशन किया था उन्होंने? भारत के अंदर जो माइक्रो स्मॉल एंड मिड एंटरप्राइजेस है उसका अपडेशन 2012 के पीरियड में इनके द्वारा किया गया था। आरबी गुप्ता कमेटी जो है किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, एम नरसिम्हन आरआरबी के रिगार्डिंग है, इसके अलावा भारत में फादर ऑफ बैंक सेक्टर रिफॉर्म भी कहलाते हैं सर ये, इन्होंने भारत में सेबी के लिए भी रिकमेंडेशन करी है सर, आरआरबी की रिकमेंडेशन करी है सर इन्होंने, ठीक है, और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वो भी इनके द्वारा की गई थी सर, ठीक है, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का पितामह कहा जाता है इनके लिए। उषा थोराट कमेटी के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उनकी रिकमेंडेशन की गई थी सर, है ना, तो यहां पर आंसर दिया जाए तो बिल्कुल सही है नरसिम्हन, आप सभी का आंसर परफेक्टली सही है आपका सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ राइटर पेरुमल मुरुगन तमिल नॉवेल पुक्कुझकी, इसे बोलते हैं पुक्कुझी नाम है, टाइटल पेयर, ठीक है, इसका नाम है टाइटल पेयर फिगर ऑन द लॉन्ग लिस्ट फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के लिए, 2023 के लिए सर। तो लेखक पेरुमल मुरुगन के तमिल उपन्यासकार पुक्कुझी का अंग्रेजी अनुवाद पेयर किस वर्ष अंतर्गत बुकर पुरस्कार लंबी सूची में शामिल हुआ, तो इसको नॉमिनेट किया गया है सर बुकर प्राइज जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये लिटरेसी की फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में, ओनली इंग्लिश लिटरेसी की फील्ड में अवार्ड के लिए जाना जाता है, ये प्रेस्टीज अवार्ड है नोबेल की तरह सर, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है किसके लिए, ओनली इंग्लिश नॉवल के लिए दिया जाता है, कोई भी हिंदी उपन्यास भी होगा तो उसको जब तक इंग्लिश आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे इंग्लिश के अंदर तब तक जो है वो अवार्ड नहीं दिया जाता सर, तो ये दिया था उन देशों के लिए जो इंग्लैंड का जिन देशों में कब्जा रहा है सर, ठीक है, यानी जितने भी उपनिवेश रहे भारत यानी उसके इंग्लैंड के सर और आयरलैंड वगैरह जो है उन राष्ट्रों के जो राइटर्स से उनको बढ़ जाता। अब देखते हैं यहाँ पर जो लंबी समय शामिल हुआ सर कब हुआ है, 2021 में, 22 में, 23 में या 24 में, और यहाँ पर 1/12/2020 एसपी सर नाम से लगाने की कोशिश किया है, लगाइए सर इसका सही आंसर। बुकर प्राइस अवार्ड की रिगार्डिंग भी एक सीरीज हम लेकर आने वाले हैं जल्दी आपके लिए, जिसमें सारे अवार्ड एक एक करके डील के साथ आपके सामने कवर्ड होंगे, बीच बीच में कवर करते चलेंगे सर, ठीक है, इसका सही आंसर बताते हैं 2023 सर, ठीक है, आंसर 2023। चल पाए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा सर। पेयर द इंग्लिश ट्रांसलेशन, देखिए इस उपन्यास का इंग्लिश ट्रांसलेशन नाम क्या है, पेयर, ठीक है, इंग्लिश वर्जन ऑफ द राइटर पेरुमल मुरुगन तमिल नॉवेल है पुक्कुझी,
फिगर ऑन द लॉन्ग लिस्ट फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के लिए इसको जो है शामिल किया गया, लंबी सूची शामिल किया गया है, अभी जीत रहे। सर दिस इज अ पुकुली, थोड़ा सा वर्डिंग में थोड़ा मिस्टेक होता है सर, ठीक है स्लाइड चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नोट सुपरवाइज बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, निम्न से कौन सा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पर्यवेक्षण नहीं है। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व कोऑपरेटिव बैंक या ऑल आर सुपरवाइज बाय द नाबार्ड। 10 सेकंड, इजी क्वेश्चन है, आरबी के सभी साथी बहुत डिटेल में समझेगा इसके लिए, क्योंकि आपके लिए तो काफी महत्वपूर्ण होता है इस क्वेश्चन के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी है। ओके सही आंसर की अनुभव करते हैं यहां पर, सही आंसर क्या है यहां पर। ओके नारायण जी कह रहे हैं यहां पर, ओके सुमित जी का आंसर आ रहा था यहां पर, ठीक है पुराना आंसर एक्चुअली है, सही आंसर देखते हो यहां पर, तो सही आंसर की बात की जाए तो यह डी ऑल समीर मंजुल जी डी। देखिए आप विवेक सर, विवेक वर्मा जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आप चीता है इस क्वेश्चन के बिल्कुल एसपी सर के साथ बिल्कुल, और यहाँ पर जो है आंसर बिल्कुल दोनों का आंसर, दोनों ओपनिंग बैट्समैन परफेक्टली खेलते हुए। चंद्रशेखर जी भी आ चुके हैं, बढ़िया क्वेश्चन मंजुल जी, बढ़िया। पिताज नायक जी बिल्कुल सही है, पिताबास नायक जी आप बिल्कुल सही। यहाँ पर नाबार्ड की बात, नाबार्ड इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इट वाज स्टेब्लिश्ड। देखिए समझ लीजिए नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा बताया था आपके लिए, जब हम नाबार्ड की बात करते हैं तो देखिए बी शिवरमन कमेटी आई थी सर, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर इंडियन पार्लियामेंट में सबसे पहले नाबार्ड एक्ट 1981 पास हुआ था, जिसके प्रावधानों के अनुसार 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्टेब्लिश होता है, और नाबार्ड जब स्टेब्लिश की जो कैपिटल थी सर, ठीक है शेयर कैपिटल थी वो 100 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल थी सर, और इस 100 करोड़ में आरबीआई का स्टेक था 1% का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक था इसमें 99%, ठीक है सर। समय के साथ ये जो शेयर कैपिटल है आरबीआई की गवर्नमेंट ने इंक्रीज करी, इसको बड़ा करके आपका 5,000 करोड़ किया गया, 20,000 करोड़ किया गया, और प्रेजेंट में ये 30,000 करोड़ की शेयर कैपिटल, ध्यान रखिएगा नाबार्ड की प्रेजेंट में कितनी 30,000 करोड़ शेयर कैपिटल है, और इसमें 100% स्टेक किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। नाउ एट प्रेजेंट नाबार्ड इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, नाबार्ड इज इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर रूरल डेवलपमेंट, तो इज अपेक्स बॉडी फॉर रूरल डेवलपमेंट, और ये अपनी एक ऐसी बॉडी हो गई जो रूरल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग डिसीजन लेती है, ठीक है। ये एक स्टेचुरी बॉडी है सर, स्टेचुरी बॉडी किसे कहा जाता है, किसी भी बिल या एक्ट के माध्यम से इंडियन पार्लियामेंट में किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया जा रहा है सर, तो ये पावर है स्टेचुरी रूम को कि उस फील्ड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बना, जैसे भी जो भी रूल्स बनाएगी कैपिटल मार्केट रिगार्डिंग या फॉर आपके कमोडिटी मार्केट रिगार्डिंग, तो वो रूल्स खुद बना सकती है और खुद ही उसमें संशोधन कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट की परमिशन ऐसा नहीं है। सेम आरबीआई ऐसा कर सकता है, आरबीआई स्टेचुरी बॉडी है सर आपके लिए, है ना, ऐसे नाबार्ड भी कर सकता है, तो नाबार्ड जो है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक में हो चुका है, ध्यान रखिएगा इसके लिए, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी में काम करता है। चलिए पाए सभी साथियों स्वागत है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी बिल्कुल कीजिए काफी सारा। अच्छा ये बताइए, जो नाबार्ड है वो आरआरबी का भी रेगुलेशन करता है, आरआरबी को रेगुलेट कंट्रोल सुपरवाइज करता है, इसके अलावा देखिए मैंने बताया आपके लिए क्यों करता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, आरआरबी तीनों करता है, सभी के लिए नाबार्ड का आंसर यहाँ पर सही होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हाउ मेनी डिजिट्स डज द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको आंसर को, आईएमपी लिख रहा हूं मैं आपके लिए, एग्जाम में रखा मिलेगा क्योंकि डिजिट वाले क्वेश्चन तो आपसे मिलने, रिसेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार सभी लैंड्स को आइडेंटिफाई करने जा रही है सर, आधार से लिंक करने जा रही है, बैंक से लिंक करने जा रही है आने वाले टाइम में 2024 तक इसको, और सभी लैंड्स को जो है किसी तरह की बात को खत्म करने के लिए उनको बकायदा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की यहाँ पर जो मेंशन करने जा रही है, उसके लिए खास विशेष भूमि पार्सल पहचान संख्या जारी की जा रही है, ये कितने डिजिट का नंबर होगा, ऑप्शन है 14 डिजिट का, 16 डिजिट का, 12 डिजिट का या फिर 10 डिजिट का। 10 सेकंड लगाएं इसका सही आंसर, ये रिसेंट का क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आंसर लगा पाएंगे। वाओ एसपी सर आगे बढ़े हैं, आते के साथ ही बल्ले को उठा दिया, लेकिन आपको एसपी सर मुझे पता है आपने बल्ला घुमा तो दिया है लेकिन आप बल्ले पे श्योर नहीं थे अभी लेकिन फिर भी आपकी कोशिश अच्छी थी। एक क्वेश्चन और चलिए देख लेते हैं, यहां पर सही आंसर की देख लेते हैं, सही आंसर है 14 डिजिट सर, देखिए ये रहा, ठीक है यूएलपीएन इज अ 40 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक, यानी ये अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी फॉर द ईच लैंड पार्सल, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड
मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये DILRMP की फुल फॉर्म क्या है, जो कि 2008 में स्टार्ट किया गया था सर। इसी का प्रोग्राम का जो सेकंड चरण चल रहा है वो है ULPIN, ठीक है, जो 44 का नंबर है, जो कि सभी लैंड होल्डर्स को दिया जाएगा जिससे उनकी लैंड क्वालिफाई करे, कोई इस पर कब्जा नहीं कर पाएगा, कल वो दिक्कत होगी तो उसके बिहाफ पर उनको जस्टिफाई किया जा सकेगा सर। ठीक है, देखिए डिजिट्स वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं, जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर ये तो इसका आई गया सर, यहाँ पर देखिए यूलिप इज 40 डिजिट्स अल्फान्यूमेरिक नंबर यूनिक आईडी फॉर द ईच लैंड पार्सल विच कंटेंट्स ऑनरशिप डिटेल ऑफ द प्लॉट्स बिसाइड द साइड एंड द लॉन्गिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड डिटेल के साथ। ठीक है, तो इसको लॉन्च कर दिया गया, तो बिहार में, पंजाब में, सभी जगह प्रदेश में लागू किया गया सर, है ना, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट से ऐसे आपसे पूछ लेता है, पैन में डिजिट कितने होते हैं सर, IFSC कोड में, MISR कोड में कितने डिजिट होते हैं, आपके जो LIN में कितने डिजिट होते हैं सर, है ना, इस करके क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं सर। क्वेश्चन 12 देखते हैं, फॉर विच स्टेट UT हैज अ बिग बजट ऑफ ₹1,80,500 करोड़ बीन अनवील, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए के बजट का अनावरण किया गया है। काफी सारे चीतों ने क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा, बात करते हैं और अगर पढ़ा है तो इसका आंसर लगा पाएंगे। ऑप्शन ए मिजोरम, बी कहता है तमिलनाडु, सी कहता है वेस्ट बंगाल, या डी है जम्मू एंड कश्मीर। 10 सेकंड लगाए इसका सही आंसर। सजीत साहू सर अपने क्वेश्चन में बड़े स्ट्रॉन्ग थे, लियोनार्ड डी करके लगा दिया आंसर, पढ़ नहीं पाया आंसर में, बहुत अच्छे लगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन चार ऑप्शन टेंशन के समय, किस राज्य के ऐसे प्रदेश के लिए इतने अमाउंट का बजट का अनावरण किया गया है, एक क्वेश्चन है चार ऑप्शन है और टेंशन समय, और देख लेते इसके सही आंसर के लिए सही आंसर क्या है इसका। ओके यहाँ पे मंजुल जी बोले तमिलनाडु, ओके मिजोरम, ओके मेरे साथ ही अगर खेले जम्मू कश्मीर सर, ध्यान रखिएगा द बजट ऑफ ₹1,80,500 करोड़ हैज बीन अनवील्ड फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से बताइए जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट LG का नाम क्या है सर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो प्रेजेंट में अपॉइंट है उनका नाम आपको बताना है, और साथ ही लद्दाख जो है लद्दाख की भी LG JNKK और लद्दाख, ठीक है, दोनों के LG का नाम आप चैट बॉक्स में बताइए, देखते हैं। एसपी सर आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही था, और यहाँ पे जो है ये पीताबास नायक जी का आंसर परफेक्टली सही था, पीताबास नायक जी आप इस क्वेश्चन जीता है परफेक्टली आप जीता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए जो साथी आ रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म नेम ऑफ द SVC बैंक ऑफ इंडिया, SVC बैंक ऑफ इंडिया का पूरा नाम क्या है सर, काफी चर्चाओं में भी रिसेंट क्वेश्चन। हाँ मनोज सिन्हा जी बिल्कुल ठीक कहा मंजुल जी आपने, मनोज सिन्हा। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ कोऑपरेटिव कॉपरेशन इंडिया, या समराव विठल कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर आपका सिलिकॉन वैली कोऑपरेटिव बैंक्स, या फिर आपका सेंटा क्लेरा विठल बैंक्स। एक ऑप्शन चार ऑप्शन लगाया गया सर। मनोज सिन्हा आपका आंसर बिल्कुल सही था, मनोज सिन्हा सिलिकॉन वैली बैंक। ओके क्या बात है मजीत कुमार जी, मुझे पता था ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, और ये बैंक चर्चाओं में इसी वजह से क्वेश्चन को डाला गया है कि आपको इसका सही आंसर बताया। SVC बैंक की बात की जाए तो इसका सही आंसर सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक सबको पता है, लेकिन यहां पर तो कमलेश सर का आंसर सबसे दुर्लभ आ रहा है सर। कमलेश सर यू आर ए चीता, बिल्कुल सही, समराव विठल कोऑपरेटिव बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, SVC कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था द समराव विठल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड था सर, अब हो गया इसका नाम क्या ये सर। ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ था 1906 में सर, 27 दिसंबर के दिन मुंबई में हेडक्वार्टर, और चेयरमैन है दुर्गेश एस चंद्रवर्कर जी, ठीक है, इसके चेयरमैन है सर, इसको भी जान लीजिएगा। तो ये SVC की फुल फॉर्म से पूछ सकता है, रिसेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक डिड राइज ₹3,770 करोड़ फ्रॉम इट्स थर्ड ATI बॉन्ड सेल, किस बैंक ने अपनी तीसरी ATI1 बॉन्ड बिक्री से 3,717 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आपके ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी ICICI बैंक, सी कहता है HDFC बैंक, या डी कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे मोस्टली सभी लोगों का आंसर सही आते हुए बी करते हैं, चंद्रशेखर जी भी, नायर जी भी, और या क्रिप्टो कैफे भी बी कह रहे हैं, यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। किरण जी आपका आंसर बिल्कुल सही था यहाँ पर, और पी गायत्री जी का आंसर सी था, आंसर जिनका सर पीयूष जी आपका आंसर बिल्कुल सही था, कन्या राशि के जातक है आप, ठीक है, मार्च के बाद थोड़ी स्थिति में सुधार होगा आपकी, परफेक्ट स्थिति जाएगी आपकी निकल करके। सही आंसर देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सही आंसर की ओर बढ़ते हुए, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्रिप्टो कैफे खेल चुका है, और साथ ही खेल चुके हैं यहाँ पर
मंजुल जी खेल चुके हैं यहाँ पर बैंक ऑफ ओके, या किरण जी खेल रहे हैं और एसबीआई के साथ खेल रहे हैं, तो मान लेते हैं सबका आंसर सही है, पर बिल्कुल सही। क्रिप्टो क्या भाई द चीता जो डेली है पीता, परफेक्ट ठंडा पानी। ओके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चल पाए सर स्वागत, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना भूलिएगा सर, बिल्कुल भूलिएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज राइज 3,770 करोड़ थ्रू इट्स थर्ड बेसल कंप्लीट एडिशनल टियर वन बॉन्ड इश्यूज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एट द कूपन रेट 8.25%। देखिए बेसल थर्ड की नॉर्म्स को हमने कड़ाई से पालन कर रहे हैं सर, 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुकी है, और आरबीआई ने जो स्ट्रिक्ट एक्शन बैंकों पर ले रखा है पूरी तरह से उसी वजह से इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम में बची हुई है। हम स्ट्रिक्टली SLRCR मेंटेन करवाते हैं बैंकों के लिए सर आरबीआई के द्वारा, तो इस वजह से यह बने। जबकि अमेरिकन बैंकों में क्या है, 90% तक वो अपने डिपॉजिट का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सर, और अगर कल को लोन नहीं लौट खाता है तो बैंकों की स्थिति में कोलेप्शन हो जाता है। तो यहां हमारी स्थिति में उनकी स्थिति में ये अंतर है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच बैंक हैज अलाउड बैंक फ्रॉम 80 कंट्रीज टू ओपन स्पेशल वॉस्टो रुपीज अकाउंट यानी SVRA, फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका, फॉर द सेटलिंग पेमेंट इन इंडिया रुपीज। किस बैंक ने 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वॉस्टो रुपया खाते खोलने की अनुमति दी है? अब ऐसा काम कौन कर सकता भारत में भाई, बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया, सर्कुलर सिटी क्वेश्चन है। तो ये तो रिसेंट का क्वेश्चन है, आंसर बड़ा आसानी से लगा पाएंगे आप लोग, देखें कौन जल्दी आंसर लाता है इसका। एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन और टेंशन का समय जो कि समाप्त हुआ, और अब देखते हैं इसके सही आंसर के लिए। और सही आंसर जो इसका आ रहा है, बहुत सही सुमिताचार्य मैम, बहुत अच्छे आप चीता है इस क्वेश्चन की, आपने आंसर परफेक्टली से लगाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है, एसपी सर बिल्कुल आरबीआई, पीयू जी बिल्कुल सही है, मंजुल जी बिल्कुल सही, कमलेश जी एकदम सही आंसर दो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज परमिट बैंक फ्रॉम 80 कंट्रीज टू ओपन स्पेशल वॉस्ट रुपीज अकाउंट टू सेटल पेमेंट इन द रुपीज, द गवर्नमेंट सेड स्पीकिंग इन द राज्यसभा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भगवती किशोराव कारड सेट द 60 सच अप्रूव्ड हैव बीन द गिवन टू बाय द आरबीआई सर, ठीक है। तो 60 सच अप्रूवल जो थे आरबीआई ने भी किए हैं, ऐसा इन्होंने जो है बताया राज्यसभा के अंदर, भगवत के किशन राव करड़ जी हैं जिनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया सर, ठीक है। आगे बात करते हैं, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC हैज डैश मेंबर हु डिसाइड द पॉलिसी रेट। मौद्रिक समिति MPC में डैश सदस्य होते हैं जो नीतिगत दर तय करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ABCD आपके सामने ऑप्शन लगाए इसका सही आंसर। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं जो नीतिगत दर तय करते हैं उसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? डॉलर को डिश्यू, बहुत बढ़िया पीयू सर। देखिए यहां पर अगर बात की जाए तो कितने मेंबर्स होते हैं, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सुमिता जी आपका आंसर बिल्कुल सही था, भगवत करार बिल्कुल सही जी, कमले जी एकदम सही। थोड़ा सा आज आई साइड की वीकनेस है, चश्मा मेरा टूट गया है तो सो मुझे दिखने में थोड़ी दिक्कत है हल्का सा, तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा शायद। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो मेंबर्स हैं ध्यान रखिएगा, वो है आपके 6 मेंबर्स, ठीक है। 6 मेंबर्स होते हैं। सेक्शन 45ZB ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ 6 मेंबर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट सर, ठीक है। 6 मेंबर्स का होते हैं। अभी बात आती है कि 6 मेंबर कौन कौन से हिसाब इसके अंदर। अच्छा एक चीज बताइए, भारत में SLR और CRR की वैल्यू कौन सेट करता है, MPC सेट करता है कि RBI के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? SLR की वैल्यू सेट करता, SLR एंड CRR वैल्यू सेट बाई किसके द्वारा? MPC, ऑप्शन MPC, RBI, देन फाइनेंस मिनिस्ट्री। SLR शेयर की वैल्यू, और इसके अलावा जितने भी हमारे टूल्स हैं क्वालिटी टूल्स हैं हमारे, जैसे रेपो रिवर्स रेपो वगैरह सब हो गया, बैंक रेट वगैरह हो गया, इन सब की वैल्यू कौन सेट करता है? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर, ये RBI सेट करेगा, बाकी सब रेट्स के लिए हमेशा MPC द्वारा सेट करता है, ठीक है। MPC बार बात करते हैं, द MPC कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द 3 एक्सटर्नल मेंबर्स, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन है, शक्तिकांत शशांक भिड़े जी हैं गवर्नमेंट की ओर से, असीमा गोयल जी हैं, जयंत आर वर्मा जी हैं, ये तीनों मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट मेंबर है, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट मेंबर। इसके अलावा 3 RBI ऑफिसर हैं, कौन कौन से हैं सर?
गवर्नर शक्तिकांत दास जी, जिनको अभी हाल ही में रिसेंट में प्रेस्टीज अवार्ड मिला है सर, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, याद रखिएगा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक अवार्ड में शक्तिकांत दास जी को। उससे पहले रघुराम राजन जी अवार्ड जीत चुके हैं सर 2015 में, और रिसेंट में शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। डेप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा जी है सर, और इसके अलावा एडवाइटर है राजीव रंजन जी। ये टोटल 6 मेंबर्स हैं जो कि आरबीआई के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब अगर बात करते हैं इन 6 में अगर किसी भी मुद्दे पर टाई अप होता है तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा? सिर्फ आरबीआई गवर्नर साहब का। देखिए सर यहाँ पर द एमपीसी वाज फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू असिस्ट द आरबीआई इन टेकिंग अ कॉल रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट पॉलिसी रेट। द एमपीसी हैज 6 मेंबर, 3 ईच फ्रॉम द आरबीआई एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड ही हैज द कास्टिंग वोट्स इन द होल प्रोसेस में। ठीक है, ध्यान रखिए सर। अब इसके एमपीसी की बात चलिए तो मैंने थोड़ा एमपीसी के बारे में आरबीआई एक्ट से थोड़ा सा पोर्शन लिया है 3 स्लाइड का, वो स्लाइड भी हेड आप देख लीजिए इसके अंदर से। देखिए सेक्शन 45ZB के अंदर डिफाइन किया गया आरबीआई 1934 के सेक्शन 45ZB में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठन किया गया। क्या कहता है? एमपीसी इज अ 6 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। ईच मेंबर ऑफ एमपीसी हैज 1 वोट एंड In the event of an equality of the vote, the governor has a second or casting vote. Then, strike case में जो governor होगा वो decision लेगा final sir. On the 14 days, the minutes of the proceeding of the MPC are to be published with all details. तो monetary policy committee की जो आपकी meetings होती है उससे 14 दिन पहले जो है सारी proceeding की regarding जो है detail जारी करनी होती है. Once in very 6, देखिए once in very 6 month RBI will publish monetary policy report to explain the source of the inflation and the forecast of the inflation for the 6 to 18 month ahead sir. Keep on jaane kega. Section 45ZB ka the mention kya kya hai sir? Kya hota hai iska RBI 1934 ke section 45ZB mein? Terms and condition of the appointment of the members of monetary policy committee. Bahut dhyan se samajh lijiye sabhi log, thoda detail portion maine liya hai iska andar se sirf samjhane ke liye. देखिए द मेंबर्स ऑफ द एमपीसी अपॉइंटमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, तो इनका कार्यकाल कितना? 4 साल के लिए, एंड शैल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, 4 साल ये अपॉइंट किया जाता है और 4 साल के बाद इनको रीअपॉइंट भी कर नॉट एलिजिबल है, चलिए इनको अपॉइंट दोबारा से नहीं कर सकते सर। अ मेंबर मे रिजाइन फ्रॉम द एमपीसी एट एनी टाइम, कभी भी रिजाइन करते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस द टेन्योर। तो टेन्योर 4 साल कार्यकाल होगा और दोबारा अपॉइंट नहीं किया जाएगा, और जब चाहे रिजाइन भी कर सकते हैं बाय गिविंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अ रिटन नोटिस ऑफ द नॉट लेस देन 6 वीक। तो 6 वीक से कम का नहीं होना चाहिए, नोटिस जारी करके अपने समय से पूर्व ये रिजाइन कर सकते हैं। ये व्यवस्था सेक्शन 45ZB होती है। ये सेक्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम पूरी आता है। सेक्शन 45ZB में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मल्टीपल कमिटी डिफाइन किया गया है, जबकि सेक्शन 45ZD के अंदर जो डिफाइन किया गया है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द मल्टीपल कमिटी। देखिए जेड आई को भी देख लेते हैं, सेक्शन 45ZI मीटिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई शैल ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 4 मीटिंग्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पहले जो क्वार्टरली मॉनेटरी रिव्यू था उसके अनुसार, यानी क्वार्टरली मतलब 90 दिन का काम थे, उसके हिसाब से साल में 4 रिव्यू होते थे, तो उसी के हिसाब से बना भी रखा है यहां पर कि आरबीआई शैल ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 4 मीटिंग ऑफ द एमपीसी इन अ ईयर। एक साल में 4 मीटिंग होनी कंपलसरी है, बट प्रेजेंट के हिसाब से मीटिंग कितनी है सर? 6 मीटिंग होती है सर। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू इस एक्ट के अनुसार 4 ही मीटिंग है सर, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये क्या लिखा है? एटलीस्ट 4 मीटिंग है, आप ऊपर कितनी भी कर लो कि 4 मीटिंग होनी चाहिए सर। ठीक है, मीटिंग शेड्यूल ऑफ द एमपीसी फॉर अ ईयर शैल बी पब्लिश बाय द आरबीआई एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग इन दैट ईयर। द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द एमपीसी शैल बी 4 मेंबर्स। तो कोरम की अगर बात की जाए तो जैसे मीटिंग होती है उस मीटिंग के लिए कम से कितनी बार मिनिमम 4 मेंबर को होना कंपलसरी है ना। कोरम जो है, कोरम जाने की का एमपीसी कोरम के लिए कितना मिनिमम 4 मेंबर्स को होना कंपलसरी है, जाने की इसके लिए। ठीक है सर, ओके, क्लास हम यहां बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, शॉर्ट कहा गया है मिसाइल्स के लिए। किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइलों के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए? यह भी रिसेंट का क्वेश्चन है सर, तब इसका आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए स्पेस एक्स ने किया है, या नासा ने किया है, इसरो ने किया है, या डीआरडीओ ने किया है। टेंथ के समय लगा इसका सही आंसर, एक ऑप्शन, 4 ऑप्शन और टेंथ के समय। चलिए भाई सभी साथियों को स्वागत है, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सर। सही आंसर देखते हैं यहां पर क्या आता है। सही आंसर के लिए सभी चीता हमारे तैयार,
और मुझे पता है बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंट में भी न्यूज़पेपर में भी था और न्यूज में भी रहा है सर। और आंसर दे दिया मंजुल जी ने, डीआरडीओ इज द राइट आंसर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट टू कंसेक्यूटिव सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट एट वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये जिसे वी शॉर्ट कहा गया है, मिसाइल एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ कोस्ट ऑफ द उड़ीसा ऑन 14 मार्च 2023 सर, 14 मार्च को ये जो है आपका क्या गया, बिल्कुल डीआरडीओ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर बाय अ यूजर इन अ डे यूजिंग भीम एप्लीकेशन, भीम एप्लीकेशन प्रयोग करके एक उपयोगकर्ता द्वारा एक दिन में अधिकतम कितनी राशि स्थानांतरित की जा सकती है। आपके ऑप्शन ए 10,000, 50,000, 1 लाख या 2 लाख। 10 सेकंड लगाएं किसी आंसर। भीम एप्लीकेशन यूज करके एक उपयोगकर्ता द्वारा एक दिन में मैक्सिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है। एक ऑप्शन, चार ऑप्शन और 10 सेकंड समय। अब लगाएं इसका सही आंसर, देखते हैं इसके सही आंसर क्या आता है। 1 लाख इज द राइट आंसर, परफेक्टली आंसर सही है सर। अ यूजर ऑन भीम कैन सेंड मनी टू अ लिमिट ऑफ 1 लाख पर ट्रांजेक्शन एंड 1 लाख पर डे। इफ यू आर अ न्यू यूजर यू आर अलाउड ट्रांजेक्शन अप टू 55,000 फॉर द फर्स्ट 24 आवर के लिए सर, ठीक है। और याद रखिएगा यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजेक्शन है, अब 24 घंटे में 24 ओवर में मैक्सिमम आप 10 टाइम्स ही कर सकते हैं सर, है ना, 10 बार ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, थोड़ा ऑस्कर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2023, ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने, ऑस्कर अवार्ड जिसे आप एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, किस फिल्म ने सबसे फिल्म का पुरस्कार जीता है। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फिल्म क्षेत्र में जिन कलाकारों ने देश का फिल्म क्षेत्र का नाम बढ़ाया है, फिल्म में बेहतर काम किया, तो उन बेस्ट लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है किसने। ऑप्शन ए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, या आरआरआर, या फिर है आपका कोड़ा, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड मंजू जी 2 लाख बता रहे हैं यूपीआई के अकॉर्डिंग, यस बिल्कुल मंजू जी आप बता रहे हैं 2 लाख, आपकी बात सही है, लेकिन भीम के थ्रू 1 लाख की लिमिटेशन अभी है सर। यहाँ पर आर आर लगा दिया गया है, आर 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 क्या बात है सर, यही तो मैं चाह रहा था आप आंसर लगाए और मैं इसे गूगली कर दूं। आंसर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। यही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में दिक्कत कर देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बीच में एक डाला गया है। करंट का पूरा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन डाले गए। देखिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस कंप्लीट इट्स स्वीप ऑफ द मेजर इंडस्ट्री अवार्ड ऑफ द 95th एकेडमी अवार्ड संडे नाइट द जेनर Defying film took home the Oscar for the best picture and the best director and the several cast member earned individual acting awards. अब देखिए कौन कौन से, ये है वो मूवी सर एवरीथिंग, ठीक है, जो मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की बात करते हैं। ये इनकी हीरोइन है सर, इसको भी अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सर। देखिए मैं दिखाया था आपके लिए थोड़े डील में, ये देखिए बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड की बात करें तो मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है, और इसी मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी सर। इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए, डायरेक्ट की गई है इसको डेनियल कॉन एंड डेनियल स्किनिंग द्वारा सर, और इनको इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी दिया गया सर। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये जो मूवी है, इस मूवी की जो हीरोइन है उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, मिशेल यो नाम है इनका सर, ये चाइनीज है मिशेल यो, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इसी फिल्म के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है की ह्यूई क्वान को सर। ये नाम भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये एक ही पेज पर सारे अवार्ड जो मिले हैं आपको वो सारे स्क्रीनशॉट के रूप में आप ले सकते हैं, लेना चाहे तो यहां से सारे अवार्ड आपको एकदम से मिल जाएंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मिली है सर। विच सॉन्ग वॉन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर 2023, किस गाने ने ऑस्कर 2023 में सबसे मूल गीत का पुरस्कार जीता। अब इसका आंसर बड़ा आसानी से आप लगा सकते हैं। ऑप्शन ए होल्ड माई हैंड, एवरीथिंग ओके, केसरिया, या फिर नाटू नाटू। 10 सेकंड समय। किस गाने ने ऑस्कर 2023 में सबसे मूल गीत जीता है सर। इस बार भारत की दो मूवी को अच्छा अवार्ड मिला है, और यहां पे आ गए हैं श्री राम सर, आपका आंसर सही, एकदम सही, आरआर मूवी से लिया गया गाना है नाटू नाटू, ये एकदम सही है। M.M. Keswani has brought the spotlight back to the India after the Oscar musical win. Keswani won Best Original Song for this jewelry
energetic anthem, not from the film RRR. The music has been written by the Kesavan and the lyric by the Chandra Bose sir. मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा दिखा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा कौन है नाटू नाटू सर। ये आपके सामने हम लेकर आएंगे। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात किया नाटू नाटू के बारे में, तो देखिए नाटू नाटू बाई द काल भैरव एंड राहुल सिपलीगंज के द्वारा जो है नाटू सॉन्ग को बनाया गया। पूरी तरह से फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है और तेलुगु सॉन्ग भी आर मूवी टू विन ऑस्कर एंड द गोल्डन ग्लोब अवार्ड। यार की कहा इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया है सर, ठीक है। इसके अलावा याद किया दिस सॉन्ग कंपोज बाय द एमएम केसरवानी एंड द लाइक्स बाय द चंद्र बोस। इसके बाद कर चुका हम लोग सर, इसको भी ध्यान रखिएगा सर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर इस सॉन्ग से रिलेटेड एक पॉइंट दे दिया, वाओ सॉन्ग अच्छा है। आई होप सबको याद होगा अगर गाना ये कैसे गाना था। इसे बोला गया है हुक डांसर। देखिए इस गाने को कोरियोग्राफ किया है प्रेम रक्षित ने सर। अगर आपसे क्वेश्चन का विषय बन जाता है तो प्रेम रक्षित जी हैं जो कोरियोग्राफर है इसके, इनके द्वारा इस गाने को ये हुक स्टेप बोला गया है। इसके लिए हुक स्टेप दुनिया भर में धूम मचा दी इस गाने ने सर। और कोरियोग्राफर ने साझा किया कि उन्हें इस गीत के लिए कम से कम 118 टेक लिए थे सर, लगभग 18 टेक इनके द्वारा और बनाया गया सर, ठीक है सर। और ये जो गाने जो डिजाइन किया गया सर, गाना जो बात की जाए तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के रिप्रेजेंटेंट है, उनका जो रेजिडेंट है आउटसाइड में, तो उन पर ये गाना मतलब उसके घर पर ये गाना किया गया सर। और इस गाने में जो एक्टर हैं कौन है, रामचरण और JRNTR जिन्होंने 18 टेक में इस सॉन्ग को कंप्लीट किया सर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी डिड नितिन गडकरी अनवेल द फर्स्ट मेथेनॉल रन बसेस। नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया सर। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने टाइम के समय। ओके सही आंसर देखते हैं यहां पर, नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का आरंभ किया है यहां पर। तो अगर बात की जाए यहां पर गाने सॉरी आपके मेथनॉल चलने बस के लिए, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बेंगलुरु सर। यहां पर सौरभ पाटिल सर गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया सर सौरभ जी हमारे चितेश्वर। तो यहाँ पर सही प्रकार देखा जाए जो चल पाए, दे द फर्स्ट मेट्रो पावर्ड बस इन द बेंगलुरु विल बी द अनवील्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी से। उनके द्वारा बेंगलुरु में जो है सर पहली एथेनॉल बस का उद्घाटन किया गया, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए सर, बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इफ अ बैंक हैज टू बोरो फंड फ्रॉम द आरबीआई फॉर अ लॉन्ग टर्म विच अमंग द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। यदि किसी बैंक को लंबी अवधि के लिए आरबीआई से धन उधार लेना पड़ता है तो निम्न में से कौन सा लागू होगा, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा लोन लिया जाता है सर। ऑप्शन ए रेपो रेट्स या रिवर्स रेपो रेट्स या फिर होगा बैंक रेट या फिर होगा आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट्स। टेनिस समय लगाएं किसी आंसर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका सही आंसर आपको लगाना है। यदि किसी बैंक को लंबी अवधि के लिए आरबीआई से धन उधार लेना पड़ता है तो इनमें से कौन सा लागू होगा। यस एसपी सर बिल्कुल सही आंसर, इज अ बैंक रेट सर, बैंक रेट इज अ राइट आंसर। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब भी लोन लिया जाता है तो बैंक रेट के लिए होगा सर। बैंक रेट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज द एप्लीकेबल टू द लॉन्ग टर्म लोन एक्सटेंडेड टू द कमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई। दिस लोन आर जनरली प्रोवाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज टू 1 ईयर। The main difference of the bank rate and the repo rate is that bank rate is mainly for long-term loans, where the repo rate is applicable for the short-term loan up to 90 days. तो 90 दिन से कम अवधि के लिए repo rate, तो 90 दिन से अधिक अवधि के लिए bank rate पर loan की सुविधा है सर। लेकिन बता दूं आपके लिए bank rate का इस्तेमाल असल में loan के लिए इस्तेमाल न करते हुए bank rate का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है सर, एक तो penalty impose करने के लिए, दूसरे नंबर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं re-discounting rate set करने के लिए सर, ठीक है इसको भी ध्यान रखिए सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं यहां पर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है देखिए ध्यान से। इन विच सिटी हैज द सेंट्रल साइन आर रुपीज 934 करोड़ डील विद HSL टू रिफिट INS सिंधु कीर्ति संबल। किस शहर में केंद्र ने INS सिंधु कीर्ति पंडुबी को फिर से फिट करने के लिए HSL के साथ 934 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए सर, ठीक है। ये रिसेंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए जयपुर, बी विशाखापट्टनम, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। टेंशन में लगाएं इसका सही आंसर।
किस शहर में केंद्र ने आईएनएस सिंधु कीर्ति पनडुब्बी को फिर से फिट करने के लिए ठीक है एसएसएल के साथ में नौ छत्तीसगढ़ का सिंधु क्या है? यह आंसर यहां पर दिया गया है। सही आंसर विशाखापट्टनम। ठीक है, माफ कीजिए मैं आंसर आपके देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है दूसरे सिस्टम में। तो विशाखापट्टनम आंसर, जिन लोगों ने विशाखापट्टनम आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल यहां पर सही होगा। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन मंडे साइन अ मोर देन 9000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट ऑन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम फॉर अ रिफिट ऑफ द किलो क्लास सबमरीन आईएनएस सिंधु कीर्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। तो जिन साथियों ने बिल्कुल इसका आंसर लगाया है बिल्कुल सही होगा। मैं अभी आपका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपने जिनने भी आंसर लगाया आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI मॉडरेटेड टू अ टू इयर्स लो ऑफ 3.85% इन फरवरी फ्रॉम 4.73% इन विच मंथ। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति किस महीने में 4.73 से फरवरी में दो साल के निचले स्तर पर 3.85 पर आ गई है? सर रिसेंट क्वेश्चन जुलाई में, जनवरी में, फरवरी या फिर अप्रैल के हिसाब से। तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति किस महीने में 4.73 से घटकर दो साल के निचले स्तर पर आ गई? ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन चार ऑप्शन टेंशन समय, और यहां पर सही आंसर जो है जल्दी सेट कर लीजिए इसको। ठीक है, सही आंसर की देख रहे हैं तो सही आंसर इसका क्या है सर? तो ये आ गया है आपका यहां पर सही आंसर जनवरी सर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, अब मैं देख सकता हूं आंसर के लिए। ओके ओके, आंसर आ गया है यहां पर नेचुरल सर का आंसर यहां पर आ गया, बी बिल्कुल सही था। पीयूष जी आपका आंसर बिल्कुल सही यहां पर परफेक्टली। ओके, यहां पर सही आंसर आता हुआ। तो इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स मॉडरेटेड टू टू इयर्स लो ऑफ द 3.85 इन द फरवरी फ्रॉम 4.73 इन द जनवरी सर। ठीक है, इसका सही आंसर है सर। एनबीएफसी का सिक्स ईयर का एक्सपीरियंस। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। हु वॉन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, लगाए इसका सही आंसर। विलोरी डे गलू या फिर जर्मी पावेल या फिर आपके रघुराम राजन या सिद्धांत दास, किसको मिला है ये अवार्ड? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया अभी तीन चार दिन पहले, और उस अवार्ड में सेंट्रल बैंक का यानी गवर्नर, सेंट्रल बैंक गवर्नर का जो अवार्ड दिया गया है बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो ये अवार्ड जीता है आपके। मुझे पता है आपको आंसर पता है, फटाफट आंसर लगा दीजिए सर। यस, सही आंसर यहाँ पर डी दम सही है यहाँ पर। अविनाश जी चीता बनते हुए आगे बढ़ते हैं। मंजूल जी बिल्कुल सही। शक्तिकांत दास जी जाने की कहा दास द हैज बिकम द सेकंड गवर्नर ऑफ टू गेट दिस अवार्ड। जाना सेकंड गवर्नर सर ये आफ्टर रघुराम राजन। रघुराम जी ने 2015 में जीता था और 2023 में इन्होंने जीता सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड सर। बहुत बढ़िया सही आंसर। और आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन होगा आपके लिए। Which city are the highest risk of landslide based on data collecting by the Indian Space Research Organisation? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर किन शहरों में भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा है? यह भी रिसेंट की रिपोर्ट है सर, जिस पर बताया गया है कि किन शहरों पर सबसे भूकंप खतरा मंडरा रहा है सर। ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग एंड टीरी गढ़वाल, या फिर नैनीताल और टीरी गढ़वाल, या फिर शिमला एंड कुफरी, या फिर मुंबई या दिल्ली। टेज के समय एक ऑप्शन चार ऑप्शन और टेस्ट समय, और यहां पर आप देखते हैं सही आंसर की ओर बढ़ते हुए। सही आंसर किसका सबसे पहले से जल्दी आता है यहां पर? टेस्ट समय समाप्त और सही आंसर देखिए, अभी रिसेंट में काफी तबाही हुई थी सर, काफी अचानक से जो है जो भूगर्भ भी हलचल है उनकी वजह से। बिल्कुल सही कहा मंजू जी, उत्तराखंड में काफी दिक्कत हो रही है और रुद्रप्रयाग के एरिया है सर, तो रुद्रप्रयाग एंड टिहरी गढ़वाल का जो पोर्शन है। देखिए चैनल पर ऐसे भी साथियों बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सर, बेल आइकन दबाइएगा। आज सबका सही, अकॉर्डिंग डेटा कलेक्टेड बाय द इसरो रुद्रप्रयाग एंड द टिहरी गढ़वाल आर एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ द लैंडस्लाइड एंड हैव विटनेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड इंसिडेंट इन द पास्ट टू डिकेड सर। ठीक है, तो दो दशक में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड इसमें दर्ज किए गए सर। और मैं बता दूं भारत में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड जो है मिजोरम में दर्ज किए गए सर। तो जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं यहाँ पर भूगर्भ हलचलें चल रही है, जिसके मिजोरम का जो पोर्शन है वो काफी सेंसिटिव माना गया है देश के अंदर सर। और इसके अलावा रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल का पोर्शन काफी हाईली रिस्क जोन पर जो है इसको रखा गया है सर। ठीक है,
तो अभी काफी ज्यादा वहां पर जो है दिक्कत हुई है। तो आज के नॉलेजेस के सफर में हमने बेहतरीन जो है 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, जिसके आज के सेशन में हमने बैंकिंग के साथ साथ करंट अफेयर का पोर्शन भी लिया है। ठीक है, करंट अफेयर के पोर्शन ऐसे थे जो कि रिसेंट में आपसे कभी ना कभी डिस्कस जरूर किए जाते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सर, उन्हीं मैथ्रिक क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आज के सेशन ये ओवर करेंगे, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।